कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी कई तस्वीरें सामने, कभी मामूली सी बात पर हुड़दंगियों ने गाड़ी तोड़ दी, तो कभी कांवड़ियों के बीच छिपे हुड़दंगियों ने सड़क किनारे मौजूद ढाबे में तोड़फोड़ कर, कभी कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट की घटनाएं सामने, तो कभी बीच सड़क खूब बवाल काटा गया। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस हुड़दंगियों का हिसाब किताब करने वाली, जहां जहां तोड़फोड़ की, जहां जहां उत्पात मचाया गया, अब उसका हिसाब बराबर किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, घटना के वीडियो के जरिए हुड़दंगियों को चिन्हित किया जा रहा है, आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी में, साथ ही हुड़दंगियों से ही नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। उत्तराखंड पुलिस ने हुड़दंगियों से नुकसान की भरपाई का प्लान तो बना लिया, लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आरोपियों की पहचान होगी कैसे। कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा की जो घटनाएं हुई उसमें शामिल अधिकतर लोग दूसरे राज्यों के, साथ ही साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ज्यादातर हुड़दंगी किसी गाड़ी से नहीं थे बल्कि वो पैदल चल रहे थे, ऐसे में इनकी पहचान होगी कैसे। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसके लिए दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जाएगी, साथ ही जो मामले पहले से दर्ज हैं उन पर एक्शन शुरू कर दिया गया। मारपीट की घटनाएं हैं जिसमें पब्लिक के साथ मारपीट की गई है, किसी दुकानदार के साथ मारपीट गई है, तो इस शिकायत पर जो है मुकदमा कायम हुआ है और जिसको गंभीर चोटें आई तो उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो इस बार की जो घटनाएं हैं उससे सीख मिली है और सभी राज्यों से हमें क्या अपेक्षाएँ हैं, हम क्या चाहते हैं उनसे सहयोग की, इसके लिए मीटिंग में गंभीरता से चर्चा की जाएगी और हम अपेक्षा भी रखेंगे कि उनके द्वारा ये जो हमारी अपेक्षा है वो उसमें कार्रवाई हो। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड में हुड़दंगियों पर कुल 12 केस दर्ज हुए, 9 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया गया, 184 दो पहिया वाहन और 4 कार सीज किए गए। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार जाने वाले रूट पर कई जगह हिंसक घटनाएं हुई, छोटी छोटी बातों पर भड़के कांवड़ियों के बीच मौजूद शरारती तत्वों ने खूब उत्पात मचाया। 23 जुलाई को हरिद्वार में कांवड़ियों से एक ई रिक्शा टकरा गई थी, 10 से 12 हुड़दंगियों ने ई रिक्शा को तोड़ दिया था, साथ ही रिक्शा चालक की खूब पिटाई की गई थी, ये सब पुलिस के सामने हुआ। लेकिन इस मामले में 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। तेईस जुलाई 2024 को हरिद्वार में हाईवे किनारे चल रहे कांवड़ियों से एक ट्रक हल्की सी लग गई, इसके बाद हुड़दंगियों ने ट्रक में तोड़फोड़ की, ट्रक चालक की बुरी तरह पिटाई कर दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हुड़दंगी फरार हो गए। पुलिस ने जिन लोगों को चिन्हित कर लिया उनसे तो वसूली हो जाएगी, लेकिन बड़ा चैलेंज तो ये है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल आरोपियों का पता कैसे चलेगा। हर साल कांवड़ यात्रा में इस तरह की घटनाएं होती हैं, ऐसे में क्या पुलिस कोई ऐसा इंतजाम करेगी जिससे हिंसा की घटनाएं रुके और हिंसा में शामिल आरोपी न पड़े। कांवड़ के दौरान उत्तराखंड में उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों जिन्होंने उत्तराखंड में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी जिन्होंने उत्पात मचाया है अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। जी न्यूज़।